भी हो उसके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, जो गांव में फसल चक्र के अनुसार खेती की शुरुआत की गई है। 15 साल में 17 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हम लोगों ने रिस्टोर किया सिंचाई, जो जिसको हर्षित सिंचाई कहते हैं, जो लॉस्ट इरिगेशन था उसको हम लोगों ने रिस्टोर किया। और उन्होंने प्रॉमिस किया 7 निश्चय में, उसमें मेजोरिटी काम और यही सब मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। ऐसे में जितने भी पार्टी है वो अपने तरफ से जनता के बीच लोभ लुभावन योजनाएं लेकर जा रही है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की थी। इसी पर आज प्रदेश कार्यालय JDU में बिहार सरकार के मंत्री और JDU के वरिष्ठ नेता संजय झा ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, सुनिए। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती हो उसके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है सरकार के द्वारा, जो फर्स्ट फेज में मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया एवं नालंदा के 40 गांवों में फसल चक्र के अनुसार खेती की शुरुआत की गई है। ये जिला है जो फर्स्ट फेज है, जो जलवायु ये पर्यावरण या जलवायु का क्या कंडीशन है उसी हिसाब से खेती हो, जो उपज ज़्यादा हो। इस पर जो कृषि में काम शुरू हुआ है उसमें फर्स्ट फेज में जिन जिलों को के गांवों को लिया गया है उसमें है मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, गया एवं नालंदा के 40 गांवों को फसल चक्र के अनुसार खेती में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम शुरू हुआ है और ये अगर सक्सेस होगा तो अन्य जगहों पर इसको ले जाया जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो 2 बिल आया है उसमें बहुत सारा जो टैक्स वैक्स खत्म कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो है कि लोग एक फसल तक कर सकते हैं और 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली और बिहार में तो मैं देख रहा हूँ कि नालंदा का मैं देख रहा था कितना महिला लोग कोऑपरेटिव बना करके सब्जी का काम कर रही हैं या खुद बेच रही हैं ऑनलाइन, चीज़ों को जोड़ दी है। उसी तरह से आपको ये जो है महिला का ग्रुप, क्या उसको बोलते हैं, जीविका कितना एक्टिव है जो प्रोक्योरमेंट करने में, इन सारे चीज़ों को। तो ये हमारी पार्टी का मानना है कि ये सारा इनिशिएटिव जो किसान को डायरेक्ट इनकम फायदा हो वो उनको हो रहा है। दूसरा जो डिस्कशन का पार्ट था, फिर मैं जो भी आप प्रश्न पूछेंगे वो एक दूसरा पार्ट था, वो था सिंचाई को लेकर के, जो हमारे विभाग से संबंधित भी था। आपको पता है कि सिंचाई के मामले में 2 बातें हैं। एक तो उस 15 साल में 2,65,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का काम किया गया, जबकि झारखंड भी हमारे साथ था। और अभी इस 15 साल में 17 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हम लोगों ने रिस्टोर किया सिंचाई, जो जिसको हर्षित सिंचाई कहते हैं, जो लॉस्ट इरिगेशन था उसको हम लोगों ने रिस्टोर किया। और 4,06,000 नया सिंचाई क्षमता का हम लोगों ने काम किया। जो बजट है उस 15 साल में सिंचाई पे खर्चा होता था 7,115 और इस 15 साल में सिंचाई पे खर्चा हुआ है 33,164 करोड़ रुपया, माने लगभग 5 गुना के आसपास सिंचाई में खर्चा हुआ है। अब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई अगर मौका मिलेगा तो हर एक प्लॉट तक हम सिंचाई पहुंचा देंगे, ये इनका 7 निश्चय पार्ट 2 का एक सबसे बड़ा रिजॉल्व है, कमिटमेंट है, जनता को वोट देना हुआ। अब उस पर जो लोग जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, सर्वे का काम सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया। और मेजर अब सर्वे का काम क्या है कि जितना उस प्लॉट के आसपास जो पानी का सोर्स है, जो इंजीनियर कभी जाता नहीं था, वो सब जा करके वो पूरा डेटा और लोकल लोगों से भी और किसान से भी बात करके
वो पूरा डेटा और सर्वे आया है उसका, और फाइनल स्टेज में मेरे ख्याल से वो चीज है। और एक बार वो डेटा सर्वे आ जाता है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो शुरू के दिन से ही उस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी उस पर काम शुरू हो गया है। इसी तरह तरीके से जो बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट सब था, दुर्गावती जिस एरिया से मैं आता हूँ, हम लोगों के जन्म से पहले था पश्चिमी कोसी नहर, वो सारा काम दोबारा उस पर काम शुरू हुआ है और पूरा वो एरिया इरिगेट हो जाएगा। आपको पता है कि विष्णुपद मंदिर जो गया में है, वहाँ पर जब पूरे देश और दुनिया के बुद्ध धर्म के या जो पितृपक्ष में लोग आते थे, और फल्गु नदी में कुछ ही महीने पानी रहता था और बालू खोद करके निकाला जाता, उस पर भी काम शुरू हो गया है कि सालों भर पानी उसमें है। उसी प्रकार से जो गंगा उद्भव योजना है, जो गंगा से बरसात के समय 4 महीना पानी ले करके, और जो 3 महत्वपूर्ण शहर है गया, बोधगया, राजगीर और नवादा, इन शहर में पीने का पानी का किल्लत था, टैंकर से पानी जाता था, उस पानी को ले जा करके 4 महीना और उसको स्टोर करके, ट्रीट करके और लोगों को पीने का पानी और पहुंचाया जाए, इस पे ऑलरेडी काम काफ़ी प्रोग्रेस में है। अगले साल वो गया, बोधगया और राजगीर में पीने का पानी, गंगा जल जिसको कह सकते हैं, गंगा जल पीने का पानी लोगों के, ये तो भगवती ही प्रयास है, है जहाँ आप सीधा गंगा जल ले जा रहे हैं राजगीर में, गया में ऑलरेडी काम शुरू हो गया, जो नया कानून है उसमें और सुधार लोगों को मिल जाएगा। और अंत में एक ही बात कह के कि भाई, जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हैं उनको पता है कि अगर उन्होंने 7 निश्चय पिछली बार कहा, अगर उनके एक एक काम को देखा जाए 7 निश्चय का, चाहे उनका काम था हर एक घर में बिजली पहुंचाना, तो टाइम से पहले बिजली पहुंच गया। अगर उन्होंने कहा कि पीने का पानी पहुंचाएंगे, टैप वाटर, तो टंकी वाला पानी है 80% से ज़्यादा लोगों के घर में पहुंच गया। अगर ये कोविड नहीं होता तो शायद अभी तक ये काम कम्प्लीट हो गया रहता, और शायद अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। इसी तरह जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया 7 निश्चय में, उसमें मेजोरिटी काम और इन्हीं सब मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। और तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 के जरिए बिहार ही नहीं, जितने भी बिहार से बाहर, उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह के काम करते हैं, पूरे डाटा के साथ हर एक खेत में पानी पहुँचाएंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 में सरकार का प्राथमिकता यही रहेगी। कैमरामैन गुडू के साथ केशव कुमार झा, लाइव स्टेज पटना।